हे गाइस, दिस इज टेना फुटबॉलर। वेलकम बैक टू अ चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आप कोई भी ट्रायआउट देने जा रहे हैं, कोई भी ट्रायल देने जाएंगे, या फिर किसी भी ड्रीम क्लब के ट्रायल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप कभी भी उन ट्रायल्स में रिजेक्ट ना हो, हमेशा उन ट्रायल्स में सेलेक्ट होके आए। तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो मैं डेफिनेटली कहूंगा 101% आप उन ट्रायल्स में सेलेक्ट होंगे। फिर चाहे वो कोई भी क्लब का ट्रायल हो, चाहे TFA का हो, बेंगलुरु FC का हो, रिलायंस अकेडमी, कोई भी ट्रायआउट्स हो, कोई भी ट्रायल्स हो, उनमें आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ें क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आज का वीडियो आप लोगों के लिए। और उसके अलावा कोई दोस्त अगर आपका ट्रायल्स देने जा रहा है तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है बी वेल प्रिपेयर्ड। अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड करके रखिए, पूरा होमवर्क करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे महीनों की प्रैक्टिस ही काम आती है, वहाँ पे महीनों की प्रैक्टिस ही आपको सेलेक्ट होने में हेल्प करती है। आपको अपने बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मास्टर करके रखने होंगे, जैसे पासिंग, रिसीविंग, बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग, शूटिंग, इन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर करिए। ये सब मास्टर कब होते हैं, जब आप महीनों तक प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके ये सब चीज़ें मास्टर होती हैं। आप कोई भी एग्जांपल देखिए ना, जैसे आप स्कूल का एग्जांपल देखिए। अब स्कूल में ऐसा तो होता नहीं कि आप तुरंत एग्ज़ाम ले लेते हैं एडमिशन के बाद, ऐसा नहीं होता है। एडमिशन होता है, पूरा एकेडमिक सेशन चलता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, महीनों तक पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करते हैं, पूरा अपना रिवीजन करते हैं, फिर जाके आप कहीं एग्ज़ाम देते हैं। अब ये मत कहिएगा कि मैं बैक बेंचर हूँ, मैं तो एक दिन पहले पढ़ता हूँ। ऐसा अगर आप फुटबॉल में करेंगे, एक दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे, तो रहने दीजिए, आप बेंच ही में बैठे रहेंगे, फुटबॉल कभी नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल में ट्रेनिंग ही निकलती है, हार्डवर्क ही निकलता है ट्रायआउट्स में, वही हेल्प करता है आपको अच्छा परफॉर्म करने में। और उसके अलावा मैं बताऊं कि किस चीज़ में, किस पोजीशन में क्या क्या मांगते हैं, जैसे स्ट्राइकर में कोच लोग क्या देखते हैं, डिफेंडर में क्या देखते हैं, और उसके अलावा मिडफील्डर में क्या देखते हैं, गोलकीपर में क्या देखते हैं, ये इसका मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आई बटन में आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, तो वो भी देख लीजिएगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको मिस नहीं करना चाहिए, तो आप उसको भी देखिएगा, इसके बाद देख लीजिएगा। फिर दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कंपैरिजन नहीं करना। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, अपने आप को कंपेयर मत करिए। कंपैरिजन कैसा करते हैं प्लेयर लोग कि ये तो अच्छा खेलता है मेरे से, इसका तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर शूज़ का कि यार जिसके पास इतने एक्सपेंसिव शूज़ है, एडिडास के हैं, पूमा के, मेरे पास तो कोई भी नहीं, सेगा के हैं, तो मैं कैसे कर पाऊँगा अच्छा परफॉर्मेंस। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने अपने आप को अच्छे से ट्रेंड किया होगा, पूरे तरीके से आपने हार्डवर्क किया होगा, तो वही परफॉर्मेंस आप 200-300 के शूज़ पहन के कई लाख गुना अच्छी उस एक्सपेंसिव शूज़ के मुकाबले दे सकते हैं, अगर आपने अच्छे से ट्रेंड किया होगा। तो ऐसा कोई ध्यान में मत रखिएगा, ऐसा कुछ कंपैरिजन मत करिएगा। आप कई एग्जांपल देखिए ना, जैसे मैं बताऊं, सुनील छेत्री तो यार बिना शूज़ के फुटबॉल खेला करते थे पहले। उसके अलावा साधियों माने तो फटे हुए शूज़ से फुटबॉल खेला करते। अब ऐसा भी मत करिएगा कि कोई भी ट्रायल्स में आप बिना शूज़ के पहुँच जाए, कि भाई के वीडियो से हम इतने मोटिवेट हो गए कि बिना शूज़ के ही पहुंच गए, ऐसा मत करिएगा। ले लीजिएगा, अपने बजट के अकॉर्डिंग शूज़ लीजिएगा, जितना भी, ऐसा कोई मैटर नहीं करेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव जब खरीदेंगे तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपकी क्वालिटी मैटर करेगी, क्वांटिटी नहीं। आप कितना अच्छा खेलेंगे वहाँ जाके वो मैटर करेगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि इन शूज़ से आप अच्छा खेल पाएंगे, इनसे नहीं, कुछ नहीं है। आप अपना परफॉर्म करिएगा, आप अच्छा करेंगे, अच्छे से ट्रेंड रहेंगे, तो डेफिनेटली उन शूज़ में भी आप 101% परफॉर्म करेंगे और सेलेक्ट होके आएंगे। और उसके अलावा थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो नर्वसनेस को कंट्रोल में करना है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, ये ह्यूमन नेचर है। कोई भी नए प्लेस में जाते हैं, नए ट्रायल्स रहेंगे, नए प्लेयर मिलेंगे और नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस है। तो आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नेचुरल गेम खेलना है। जो आपने ट्रेनिंग में किया है, जो भी ट्रेनिंग में प्रैक्टिस की है, वो सब नेचुरल गेम आपको खेल, ये ऑटोमेटिक निकलेगा। मैं तो कहता हूँ ऑटोमेटिक, अगर ट्रेनिंग की होगी तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें निकलेंगी, आपको परफॉर्म करने के लिए ऑटोमेटिक चीज़ें आएंगी, ऑटोमेटिक ड्रिल होगा, ऑटोमेटिक अच्छे पासेस जाएंगे, अच्छी शूटिंग जाएंगी, फिनिशिंग जाएंगी, अगर अच्छे से ट्रेंड किया हो तो। अपने आप पे भरोसा रखिए, ट्रेनिंग पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और नेचुरल
नेशनल गेम के लिए फ्रीली खेले तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसके अलावा मैं बताऊं, आपको अपनी एक्साइटमेंट को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में करना हो जी हाँ, क्योंकि अगर आप अपने ड्रीम क्लब का ट्रायल देने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं, तो उन सबको कंट्रोल में रखिएगा, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और उसके अलावा मैं बहुत ही कॉमन चीज़ें बताऊँ, जैसे आपको ध्यान में रखनी, ग्रीडी नहीं होना, लालची। बॉल आई आपके पास, आप किसी को पास ही नहीं कर रहे, आप सोच रहे हैं मैं ही सब करूं, ऐसा नहीं है। ऐसे में तो आपको सेलेक्ट की जगह सबसे पहले रिजेक्ट करेंगे, सबसे पहले बाहर भगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पासेस आपको करते रहें, क्योंकि फुटबॉल एक टीम वर्क का गेम है। स्काउट्स यही तो देखते हैं कि आप टीम वर्क कैसा करते हैं, टीम को कैसे लेके चलते हैं। स्काउट्स यही देखते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें देखते हैं। स्पोर्ट्समैन स्प्रिट देखते हैं, आपकी ऑफ बॉल एक्टिविटी देख रहे हैं, पता चले बॉल नहीं है आपके पास, बॉल नहीं आ रही तो आप खड़े हैं, कुछ नहीं है, बॉल आने के इंतजार कर रहे हैं, फिर कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको ऑफ बॉल एक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ग्राउंड में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, गोल करने के बाद या गोल खाने के बाद आपका रिएक्शन कैसा हो रहा है, ये सब भी बहुत ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और इन सब में बहुत ही ज़्यादा मास्टर करने की कोशिश करिएगा। यही सब चीज़ें हैं जो आप अगर मास्टर करेंगे तो डेफिनेटली मैं कहूँगा आप कोई भी ट्रायल देने जाएँ तो उसमें रिजेक्ट नहीं होगा, 101% आप उस ट्रायल में सेलेक्ट होंगे, मैं कन्फर्म बता सकता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।